अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अहमद अली और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टीज़ बाय अहमद यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम विज़िट करेंगे ब्रांड न्यू 10 मल्ला हाउस का, जो कि सेल के लिए अवेलेबल है। इसकी जो लोकेशन है वो है बहरिया टाउन फेज़ एट रावलपिंडी, एंड जिसकी डायमेंशन हैं वो है 35x70। 35 इसका फ्रंट है, 70 इसके लेंथ है। टू साइडेड ओपन हाउस है, ये साइड पर गली भी दी गई है। कम्प्लीटली हम इसका विज़िट करेंगे। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो कम्प्लीट एंड तक देखनी है, क्योंकि घर की डिटेल्स, घर की डिमांड और घर के तमाम तरह फीचर्स आपके साथ मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा। एंड इस सब के अलावा, अगर आप अपना घर खुद से कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो आपको हाउस कंस्ट्रक्शन के टिप्स मिल जाएंगे। आपने अपना हाउस प्लान कैसा डिसाइड करना है उसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर आप में से कोई भी हमसे अपना घर कंस्ट्रक्ट करवाना चाहता है तो हमारे प्लेटफॉर्म पर कंस्ट्रक्शन सर्विसेज अवेलेबल हैं। ऑन कैश भी है और इंस्टॉलमेंट बेसिस पे भी कंस्ट्रक्शन सर्विसेज अवेलेबल हैं। 5 मरला का जो प्लान है वो 2 साल का प्लान है, एंड जो 10 मरला का प्लान है वो 2.5 साल का प्लान है। उसके रिगार्डिंग आप मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर आप लाजमी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड अब चलते हैं, इसका विजिट स्टार्ट करते हैं। जी तो व्यूवर्स, ये आप देख सकते हैं घर का फ्रंट एलिवेशन है, काफ़ी ज़बरदस्त और आउटस्टैंडिंग किस्म का इसका फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन किया गया है। ब्रांड न्यू 10 मरला हाउस है, 35x70 की डिमेंशन हैं और टू साइडेड ओपन हाउस है, ये साइड पे गली भी दी गई है। फ्रंट एलिवेशन आप देख सकते हैं कि ग्राफी का भी इस्तेमाल किया गया है, इसके अलावा फैंसी स्टोन्स का भी इस्तेमाल किया गया है। काफ़ी खूबसूरत तरीके से फ्रंट एलिवेशन को डिज़ाइन किया गया है। घर के एक साइड पर हाउस कंस्ट्रक्टेड है, दूसरे साइड पर प्लॉट खाली है और ये घर सेल के लिए अवेलेबल है कैश पे। इसकी जो प्रॉपर्टी आईडी है वो मैंने मेंशन कर दी डिस्क्रिप्शन में, आपने मुझे कांटेक्ट करके आईडी लाजमी इन्फॉर्म करनी है। और अब चलते हैं, इसका विजिट स्टार्ट करते हैं। देयर यू कैन सी, इसका गेट का डिज़ाइन है, थोड़ा बहुत फिनिशिंग अभी इसकी रिमेनिंग है, इंशाल्लाह वो भी कंप्लीट की जाएगी। और यहाँ पर हमारे पास आगे इसका कार रैम्प फुल रेडी है, स्पेशियस कार रैम्प है। राइट साइड पर अगर हम आते हैं तो हमारे पास इसका इलेक्ट्रिक मीटर इंस्टॉल्ड है, 3 फेज़ मीटर है। ग्रीन एरिया भी रेडी है, गैस की डॉक्यूमेंटेशन हो चुकी है, गैस भी इंशाल्लाह एज सून एज़ पॉसिबल इंस्टॉल कर दी जाएगी। एंड अब हम मूव कर रहे हैं घर के अंदर, तो सबसे पहले हमारे पास आ गया इसका ये कार पोर्च। आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी स्पेशियस कार पोर्च है। और सबसे पहले बात करते हैं इसकी कार पोर्च की कैपेसिटी की, तो यहाँ पे दो से तीन बड़ी गाड़ियाँ इजीली एट अ टाइम पार्क की जा सकती हैं। फ्लोरिंग आप देख लें, कंप्लीट टाइलिंग है और यहाँ पर भी एक गाड़ी की स्पेस अवेलेबल है। यहाँ पर हमारे पास सिनेकॉन वाटर टैंक अवेलेबल है एंड पानी की मोटर भी फिक्स्ड है। और इस तरफ आप देख सकते हैं कि ये वेंटिलेशन पर्पज़ के लिए विंडो है एंड सोन्स वर्क किए गए हैं यहाँ पे फ्रंट एलिवेशन पे। अब मैं आप सबको कार पोर्च का दूसरे एंगल से रिव्यू करवा रहा हूँ, ताकि आपको मज़ीद बेहतर तरीके से इसका आइडिया हो जाए। सीलिंग डिज़ाइन विद सीलिंग फैन, और सामने हमारे पास मेन एंट्रेंस है और इस तरफ हमारे पास ड्राइंग रूम की एंट्रेंस है और साइड गली भी है। पहले इसका विजिट कर लेते हैं। यहाँ की जो फ्लोरिंग है वो कम्प्लीट मार्बल की आप देख सकते हैं, और साइड गली के थ्रू हम एक्सेस समय होगी बैक लॉन्ड्री एरिया की तरफ। आपको पहले लॉन्ड्री एरिया का विजिट करवा देता हूँ, उसके बाद हम मूव करेंगे घर के अंदर। एंड ये हम आ चुके हैं घर के बिल्कुल बैक साइड की तरफ। यू कैन सी कि गीज़र इंस्टॉल्ड है, स्पाइरल स्टेज यहाँ पे अवेलेबल हैं, और अगर आपके घर में कोई भी सर्वेंट या कोई भी मेड आप रखते हैं तो उसकी एंट्रेंस यहाँ से होगी। घर के अंदर इंटरफेयर किए बगैर यहाँ पे आएगा और यहाँ से एक्सेस सीधी छत पे सर्वेंट क्वार्टर की तरफ। आपके घर में किसी भी किस्म की कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगी। सो ये आप डोर देख रहे हैं, ये भी लिंक किया गया किचन से। अब हम दोबारा से मूव बैक कर रहे हैं कार पोर्च की तरफ, और ये हमारे पास आ गया अगेन इसका कार पोर्च। काफ़ी ज़बरदस्त, काफ़ी स्पेशियस और काफ़ी अमेजिंग कार पोर्च है। एंड एंट्रेंस का आपको डोर दिखा देता हूँ, ये मेन एंट्रेंस का डोर है, अच्छा वुडवर्क यहाँ पे यूज़ किया गया है। स्टेप्स देख लें, यहाँ पे हमारे पास जो एंट्रेंस है वो ड्राइंग रूम की एंट्रेंस है। और अब हम मूव करेंगे घर के अंदर, ये हमारे पास सबसे पहले आ गया इसका ड्राइंग रूम। आप देख सकते हैं काफ़ी अमेजिंग और काफ़ी स्पेशियस ड्राइंग रूम रखा गया है, और एक तरफ वॉलपेपर लगाया है जो कि बहुत डिसेंट डिज़ाइन का वॉलपेपर है, दूसरे एंड पे सिंपल वाइट कलर का पेंट है। वेंटिलेशन विंडोज़ हैं एंड ये इसका सीलिंग डिज़ाइन विद डबल सीलिंग फैन, और यहाँ पे भी एसके कंपनी का फैन इस्तेमाल किया गया है। ये इसकी टाइलिंग है, सिंपल एंड वाइट टाइलिंग है ब्लैक स्कॉटिंग के साथ। एंड अब मैं आप सबको ड्राइंग रूम की दूसरे एंगल से रिव्यू करवा रहा हूँ। गैस पॉइंट हमारे पास अवेलेबल है, एसी पॉइंट भी हमारे पास अवेलेबल है। और आप देख सकते हैं के ड्राइंग रूम और टीवी लाउंज की पार्टीशनिंग का ऑप्शन अवेलेबल है। आप चाहें तो पार्टीशनिंग कर सकते हैं, आप चाहें तो ओपन भी छोड़ सकते हैं। और ये हमारे पास आ गया इसका फर्स्ट टीवी लाउंज। व्यूअर्स, काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी स्पेशियस टीवी लाउंज है, आपकी बहुत अच्छी यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट हो सकती है। टाइलिंग आप देख लें, सेम एज इट इज़ है जैसे ड्राइंग रूम की टाइलिंग है, ब्लैक स्कॉटिंग के साथ। सामने हमारे पास एलईडी पॉइंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास वॉलपेपर का इस्तेमाल किया गया है, एसी पॉइंट भी अवेलेबल है। और सामने हमारे पास 2 बेडरूम्स अवेलेबल हैं, 7 किचन है, और यहाँ से एंट्रेंस दी गई जो मेन एंट्रेंस है टीवी लाउंज की तरफ। ये एक फुल डबल यूनिट हाउस है, आप चाहें तो एक पोर्शन में खुद रहें, आप चाहें तो एक पोर्शन इजली रेंट आउट भी कर सकते हैं।
या अगर इसका सीलिंग डिज़ाइन वो डबल सीलिंग फैन। बेसिकली एक ये 2+3 का यूनिट है, मींस 5 बेडरूम्स हाउस है ये और फुल डबल यूनिट हाउस है। आप पोर्शन वाइज इसको रेंट आउट भी कर सकते हैं और अगर आप पूरा घर रेंट आउट करना चाहते हैं तो भी आप इसलिए रेंट आउट कर सकते हैं। और हमारे पास रेंट आउट करने की सर्विसेज भी अवेलेबल हैं, आपका घर ईजिली इंशाल्लाह रेंट आउट कर दिया जाएगा। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बहरे के सिक्योरिटी सिस्टम की डिवाइस है वो भी इंस्टॉल्ड है एंड यहाँ पे हमारे पास लाउंज का गैस पॉइंट। सो ये हमारे पास आ गया इसका फर्स्ट बेडरूम। एक अच्छे साइज के बेडरूम रखा गया है और वेंटिलेशन विंडो है, सिंपल वाइट कलर का पेंट है वॉल्स पे। वार्डरोब्स आप देख लें कि सीलिंग तक अटैच्ड हैं, हाइड्रेट सीलिंग है सीलिंग फैन के साथ। और यहाँ पे इस वॉल पे आप देख सकते हैं कि डिसेंट किस्म का वॉलपेपर लगाया गया है। फ्लोरिंग आप देख लें सेम रखी गई है जैसे टीवी लाउंज की भी थी, ड्राइंग रूम की भी थी। और स्कॉटिंग इसके मैचिंग सॉरी ब्लैक कलर की है। एंड ये हमारे पास आ गया इसका अटैच वॉशरूम, टाइलिंग है और वेंटिलेशन पर्पज़ के लिए दोनों चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं, प्लस पोर्टा फिटिंग का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। अब हम दोबारा से मूव बैक करेंगे और अब मैं आप सबको इस बेडरूम के एंगल से टीवी लाउंज का रिव्यू करवा देता हूँ। आप सबको हर एंगल से रिव्यू करवाने का मकसद ये होता है कि हाउस प्लान के बारे में डिटेल्स और तफसीलात आपको ठीक से समझ में आ जाएँ। और इस बेडरूम को विज़िट करने के बाद हम एग्ज़िट करते हैं एंड टर्न करते हैं राइट साइड की तरफ, तो ये हमारे पास आ गया इसका सेकंड बेडरूम। ये भी एक बहुत अच्छे साइज़ का बेडरूम है, आप देख सकते हैं कि सिंपल वाइट कलर का पेंट है वॉल्स पे, गैस पॉइंट अवेलेबल है। एंड इस एंड पे अगर हम आते हैं तो हमारे पास यहाँ पे काफ़ी डिसेंट डिज़ाइन का वॉलपेपर लगाया गया है और फ्लोरिंग इसकी भी सेम है ब्लैक स्कॉटिंग के साथ। यहाँ पे जो है ड्रेसिंग एरिया वो सेपरेट रखा गया है, वार्डरोब आप देख सकते हैं हाइटेड हैं। एंड ये हमारे पास आ गया इसका अटैच वॉशरूम, देयर यू कैन सी यहाँ पे भी पोर्टा फिटिंग्स का इस्तेमाल किया गया है और स्पेशियस वॉशरूम है एंड वेंटिलेशन पर्पज़ के लिए हमारे पास दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं। सो दोबारा से मूव बैक करेंगे और अब मैं आप सबको इस बेडरूम के एंगल से टीवी लाउंज का रिव्यू करवा रहा हूँ। फ्लोर प्लान की अगर हम बात करते हैं तो ग्राउंड पोर्शन में हमारे पास 2 बेडरूम्स अवेलेबल हैं अटैच वॉशरूम के साथ, एक क्लोज किचन है, स्पेशियस टीवी लाउंज है, ड्राइंग रूम है और पाउडर वॉशरूम है। नेक्स्ट टाइम मूव करते हैं तो ये हमारे पास आ गया इसका फर्स्ट किचन। फर्स्ट किचन है एंड क्लोज किचन है और काफ़ी अच्छे से इसका किचन रखा गया है। आप देख सकते हैं कि गोल्डन फ्लेम कंपनी की अप्लायंसेस यहाँ पे यूज़ की गई हैं एंड यहाँ पे आप देख लें टाइलिंग बहुत अमेजिंग किस्म की गई है, प्लस जो वार्डरोब का कलर है वो भी काफ़ी रिसेंट डिज़ाइन का कलर है। ये डोर लिंक किया गया है साइड गली के थ्रू और अगर आपके घर में कोई भी मेड या कोई भी कुक आप हायर करते हैं तो घर के अंदर से किसी की इंटरफेरेंस नहीं होगी, सेपरेटली किचन की तरफ एक्सेस दी जाएगी। वेंटिलेशन पर्पज़ के लिए हमारे पास दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं। एंड अब मैं आप सबको किचन के एंगल से रिव्यू करवा रहा हूँ टीवी लाउंज का, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी बहुत अच्छी सिटिंग अरेंजमेंट हो सकती है। सो अब नेक्स्ट मूव करेंगे और ये एंट्रेंस है मेन, आप देख सकते हैं कारपोर्ट से मेन एंट्रेंस है और ये आपका सेकंड सॉरी जो ग्राउंड पोर्शन है उसकी एंट्रेंस है। अगर आप रेंट आउट करना है तो इसको आप क्लोज कर देंगे तो आपकी पार्टीशनिंग ईजिली हो जाएगी। और ये हमारे पास आ गया इसका पाउडर वॉशरूम, देयर यू कैन सी। सो हमने ग्राउंड पोर्शन का विजिट कम्प्लीट कर लिया और अब हम यहाँ से मूव करेंगे अपर पोर्शन की तरफ। स्टेप्स आप व्यू कर लें, ग्राउंड पोर्शन में हमारे पास 2 बेडरूम्स अवेलेबल थे एंड अपर पोर्शन में हमारे पास 3 बेडरूम्स अवेलेबल हैं अटैच वॉशरूम के साथ। और ये ऑलमोस्ट हम आगे अपर पोर्शन में, ये सबसे पहले छोटा सा एक लॉबी एरिया। उससे पहले आप सबसे मैं अगेन शेयर कर दूँ कि इन स्टेयर्स के थ्रू अभी हम ऊपर आए हैं, ये जो आप स्टेयर्स देख रहे हैं एक्सेस दी गई छत की तरफ। और ये हमारे पास मेन है, सेकेंड टीवी लाउंज की तरफ एक्सेस है। ये हमारे पास आ गया इसका फर्स्ट बेडरूम, दिस इज़ द मास्टर साइज बेडरूम, काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी स्पेशियस बेडरूम है और बहुत डिसेंट वॉलपेपर का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे। टाइलिंग इसकी वाइट कलर की है ब्लैक स्कॉटिंग के साथ, गैस पॉइंट भी अवेलेबल है और हाइटेड सीलिंग है। सीलिंग डिज़ाइन आप देख लें एंड एसके कंपनी का सीलिंग फैन यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। और ये आ गया इसका ड्रेसिंग एरिया, यहाँ पे एक स्टेप भी है और यहाँ पे जो वॉशरूम है वो आप देख लें स्पेशियस वॉशरूम है। और जो टेरेस है वो यहाँ पे अटैच्ड है इसी बेडरूम के साथ। ये हमारे पास आ गया टेरेस, टेरेस की जो फ्लोरिंग है वो मार्बल की है। बाकी जो स्ट्रीट का व्यू है लोकेलिटी का व्यू मैं आपको छत से दिखा दूंगा ताकि आपको मज़ीद बेहतर तरीके से इसका लोकेलिटी का भी आइडिया हो जाए। हम नेक्स्ट मूव करेंगे, एक बेडरूम हमने विजिट कर लिया, यहाँ पे वॉल पे काफ़ी अच्छी डिज़ाइनिंग की गई है। एंड ये हमारे पास आ गया इसका सेकेंड टीवी लाउंज, सेकेंड टीवी लाउंज भी अच्छे साइज का टीवी लाउंज रखा गया है, बट जो ग्राउंड पोर्शन का टीवी लाउंज है वो ज़्यादा स्पेशियस है। सीलिंग डिज़ाइन आप देख लें हाइटेड सीलिंग है, इसके कंपनी का सीलिंग फैन है और हमारे पास यहाँ पे LED पॉइंट अवेलेबल है। सामने 2 बेडरूम्स, क्लोज किचन एंड यहाँ पे ये भी वेंटिलेशन के लिए स्पेस रखी गई है। नेक्स्ट मूव करेंगे तो ये हमारे पास आ गया इसका सेकेंड किचन।
सेकेंड किचन भी क्लोज किचन है बट स्पेशियस किचन है, जो थीम है वो सेम रखी गई है, बट यहाँ पे टाइलिंग आप देख रहे हैं डिफरेंट है, किचन की टाइलिंग डिफरेंट है एंड लाउंज की टाइलिंग टोटली डिफरेंट है। इसके अलावा ये भी हाइटेड है और वेंटिलेशन पर्पज़ के लिए हमारे पास दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं एंड यहाँ पर भी हमारे पास अप्लायंसेस अवेलेबल हैं। एंड अब मैं आप सबको इस किचन के एंगल से सेकेंड टीवी लाउंज का रिव्यू करवा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं सामने सिंपल व्हाइट कलर का पेंट है वॉल्स पे, आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के लिए वॉलपेपर लगा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के लिए डेकोरेशन भी कर सकते हैं। यहाँ से हम टर्न करते हैं लेफ्ट साइड की तरफ तो ये हमारे पास आ गया अपर पोर्शन का सेकेंड बेडरूम। ये भी एक अच्छे साइज़ के बेडरूम है और गैस पॉइंट अवेलेबल, एसी पॉइंट भी है, सिंपल वाइट कलर का पेंट है वॉल्स पे, प्लस हमारे पास यहाँ पे हाइटेड वार्डरोब्स हैं। और यहाँ से राइट साइड पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी वॉलपेपर का इस्तेमाल किया गया है एक वॉल पर। एंड ये सीलिंग डिज़ाइन आप देख लें, हाइटेड सीलिंग है सेम एज इट इज़ और वाइट कलर का सीलिंग फैन है। एंड ये हमारे पास आ गया इसका अटैच वॉशरूम, एक अच्छे साइज का वॉशरूम है, पोटा फिटिंग्स आप देख सकते हैं, टाइलिंग आप देख लें, प्लस वेंटिलेशन पर्पज़ के लिए हमारे पास दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं। एंड अब मैं आप सबको इस बेडरूम के एंगल से ये रिव्यू करवा रहा हूँ, देर यू कैन सी। और यहाँ से हम टर्न करते हैं लेफ्ट साइड की तरफ तो ये हमारे पास आ गया इसका सेकेंड बेडरूम। ये भी मास्टर साइज बेडरूम है, स्पेशियस बेडरूम है, बहुत डिसेंट और बहुत अच्छा वॉलपेपर लगाया गया है यहाँ पे। सेकेंड वॉल हमारे पास बिल्कुल सिंपल है, गैस पॉइंट आप देख सकते हैं और जो सिक्योरिटी डिवाइस है सेंसर वो भी इंस्टॉल्ड है आप देख लें। एंड ये इसका सीलिंग डिज़ाइन विद सीलिंग फैन, यहाँ पे भी वाइट कलर का सीलिंग फैन है और हाइटेड वार्डरोब अवेलेबल है हमारे पास। टर्न करते हैं राइट साइड की तरफ तो ये हमारे पास आ गया इसका अटैच वॉशरूम, सेम एज इट इज़ पोटा फिटिंग्स बट टाइल डिज़ाइन यहाँ पर डिफरेंट है और स्पेशियस वॉशरूम है ये। एंड अब मैं आप सबको इस बेडरूम के एंगल से रिव्यू करवा रहा हूँ सेकेंड टीवी लाउंज का। एंड आप सबको बताता चलूँ कि हमने दोनों पोर्शंस का विजिट कंप्लीट कर लिया है, 5 बेडरूम्स हैं अटैच वॉशरूम के साथ, डबल किचन, डबल टीवी लाउंज, ड्राइंग रूम विद पाउडर वॉशरूम, ये एक फुल डबल यूनिट हाउस है। नेक्स्ट अब हम मूव करेंगे छत की तरफ, छत की जो एक्सेस है वो यहाँ से दी गई है, ये आप देख लें स्टेप्स। छत का विजिट करते हैं और पहले टाउन फेजर टावलपिंडी की लोकेशन है, 35x70 की डायमेंशन है, 35 इसका फ्रंट है, 70 इसकी लेंथ है और ये टू साइडेड ओपन हाउस है ये। यहाँ पे मार्बल की फ्लोरिंग, छत की एक्सेस मेटालिक डोर एंड हम आ चुके हैं छत पे यानी कि रूफ टॉप पे। कंप्लीट आप देख सकते हैं कि मार्बल की फ्लोरिंग है ये आप देख लें, स्पेशियस छत है। और सबसे पहले आप देख लें यहाँ पे हमारे पास पानी की टंकी अवेलेबल है और छत का साइज़ बहुत अच्छा है। और यहाँ से हम मूव करते हैं, यह आ गया हमारे पास सर्वेंट क्वार्टर, सर्वेंट क्वार्टर का साइज़ भी अच्छा है और फ्लोरिंग मार्बल की है। एंड ये आ गया इसका अटैच वॉशरूम। और अब मैं आप सबको लोकेलिटी का व्यू करवा देता हूँ, ये आप देख लें फुल डेवलप्ड एंड पॉपुलेटेड एरिया में घर ये अवेलेबल है, आसपास फुल घर बने हुए हैं, फैमिलीज भी रह रही हैं, बिल्कुल एक्सप्रेस वे के साथ लग रहा है ये एरिया। यहाँ से आपकी फेस 7 की एक्सेस भी बहुत ईजी है और बिल्कुल हार्डली 5 to 7 की ड्राइव पे आप फेस 7 पे एग्जिट कर सकते हैं। और अब हम मूव बैक करेंगे दोबारा से ग्राउंड पोर्शन की तरफ और आपके साथ में तमाम तर तफसीलात एक मरतबा फिर से शेयर कर देता हूँ। जी तो व्यूअर्स, इसी के साथ साथ हमने इस ब्रांड न्यू 10 मरला हाउस का विजिट कंप्लीट कर लिया। इसकी डिटेल्स कुछ इस तरह से हैं कि ब्रांड न्यू हाउस है, 10 मरला हाउस है और 35x70 की डायमेंशन है। एंड ये घर सेल के लिए अवेलेबल है, कैश पे इंस्टॉलमेंट पे अवेलेबल नहीं है। लोकेशन जो है वो इसकी बहरिया टाउन फेज 8 रावलपिंडी। अकोमोडेशन की अगर हम बात करते हैं तो 5 बेडरूम्स हैं अटैच वॉशरूम के साथ, डबल किचन, डबल टीवी लाउंज है, ड्राइंग रूम है पाउडर वॉशरूम के साथ। एंड अगर हम छत पे आते हैं तो छत पे हमारे पास सर्वेंट क्वार्टर विद अटैच वॉशरूम। इसकी जो रेंटल वैल्यू है वो ऑलमोस्ट 65,000 से 70,000 तक की है। एंड इस सबके अलावा इसकी जो डिमांड है, जो आस्किंग प्राइस है, वो है 2 करोड़ 35 लाख, 2 करोड़ 35 लाख रुपये इसकी डिमांड की जा रही है, लेकिन ये नेगोशिएबल डिमांड है। आप मैसेजेस को भी घर पसंद आए तो आपकी स्क्रीन पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मैंशन है, आप कॉन्टैक्ट करके इस घर के बारे में डील कर सकते हैं, इंशाल्लाह ताला आपको बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। सो आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो कॉइन लाइक कर दें। एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर आप लाजमी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन अपडेट्स मिलती रहें। सो नाउ लेट्स एंड दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।